आम को फलों का राजा कहा जाता है, तभी तो लोग गर्मी के मौसम का इंतजार करते हैं ताकि आम का मजा ले सके। भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस फल के दीवानों की कमी नहीं है। दूसरे देश को छोड़कर यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ आम के 100 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती है। आम की मिठास और स्वाद तक तो ठीक है, लेकिन भारतीय आम के अजीबोगरीब नाम है, जिसे सुन हर कोई एक बार यह जरूर सोचता है कि आखिर यह नाम इसे कैसे मिला होगा। यदि आप भी दशहरी, लंगड़ा और तोतापुरी जैसे नाम को सुनकर उसके नाम के पीछे की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं इनके नाम के पीछे का रहस्य। कैसे मिला लंगड़ा आम को लंगड़ा नाम? इस आम के नाम के पीछे एक कहानी प्रचलित है, जिसमें ये कहा जाता है कि लगभग 250 साल पहले बनारस के शिव मंदिर में एक लंगड़ा पुजारी था। एक दिन मंदिर में एक साधु आया और वो मंदिर में 2 आम के पौधे लगाकर चला गया। जाते हुए साधु ने लंगड़ा पुजारी से कहा कि इस आम के फल को किसी को न दे। सालों बाद आम के पेड़ में फल लगता है, लेकिन बनारस का राजा लंगड़ा पुजारी से आम ले लेते हैं। धीरे धीरे आम की प्रजाति पूरे बनारस से देश भर में लंगड़ा पुजारी के नाम से फैल गई और तभी से इस आम का नाम लंगड़ा आम पड़ गया। 2. दशहरी आम को कैसे मिला दशहरी नाम? दशहरी आम का पहला पेड़ काकोरी स्टेशन के पास दशहरी गांव में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश के इसी गांव के नाम पर इस आम के किस्म का नाम दशहरी रखा गया। बता दे कि दशहरी आम को मदर ऑफ मैंगो भी कहा जाता है। 3. हाथी झोल आम। आम के नाम के साथ साथ उसका स्वाद और आकार भी महत्वपूर्ण है। हाथी झूल आम का ऐसा किस्म है जो बहुत भारी है। हाथी झूल आम का एक फल 3 से 5 किलोग्राम तक का होता है। इस आम का नाम सहारनपुर के एक किसान ने इसके आकार और मोटाई देखते हुए पेड़ पर लटकते या झूलते हुए आम का नाम हाथी झूल आम रख दिया। 4. तोतापुरी। इस आम का नाम तोते की चोंच और नुकीला होने के कारण तोतापुरी रखा गया। 5. केसर। गुजरात में सबसे ज्यादा पैदावार होने वाले इस आम के किस्म का नाम केसरी रंग के होने के कारण इसे केसर आम कहा गया। 6. सिंदूरी आम। इस आम के छिलके में लाल रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे सिंदूरी आम कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।